Good afternoon, everyone. I am Sudharna Singhgupta. This is International Climate Change Convention Part 2. As I say you before, that in morning I am already posted a Part 1 video. Now I am talking about rest of the conference regarding to the International Climate Change Convention. Stockholm Convention. It is known as United Nations Conference of the Human Environment. It's known as that. World Environment Day, 5th June. You all know about that. इस convention का जो aim क्या था? वो था poverty, elevation and ecological management. ये सिर्फ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. इतना डिटेल में नहीं है सोशियोलॉजी में, अब सिर्फ याद रखिए ये सब चीजों को. द क्योटो प्रोटोकॉल, इसका प्लेस कहाँ था? जापान. इफेक्ट फ्रॉम 16th February 2005. इसका एम क्या था? इमिशन रिडक्शन टारगेट, दैट मींस ग्रीन हाउस गैस जो है उसका रिडक्शन होना चाहिए. हैव टू रिड्यूस इट, इसका मेन मोटो था हैव टू रिड्यूस इट. ये हर देश को करना पड़ेगा. दे आर टॉकिंग अबाउट सिक्स गैसेस. नाउ इन क्योटो प्रोटोकॉल टॉकिंग अबाउट सिक्स गैसेस मींस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, प्री फ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्सफ्लोराइड. मैं फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ एक बार. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, प्री परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्सफ्लोराइड. ये जो छह गैसेस है, ये छह गैसेस का नाम आपको याद रखना पड़ेगा. इसमें से इंपॉर्टेंट है पहला चार जो है, इनसे क्वेश्चन आता है, बाकी दोनों से नहीं आता. फिर भी ये प्रोटोकॉल में ये सिक्स गैसेस के बारे में बोला गया है, इसलिए मैंने दे दिया. सो नेक्स्ट, द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस, द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे कि हर देश अब उस देश का पॉल्यूशन एक तरह से नहीं होता. जैसे इंडिया जैसे देश में पॉल्यूशन जैसे होगा, एयर वाटर वट एवर द पॉल्यूशन, एयर वाटर जो पॉल्यूशन होता है वो जैसे होता है, दूसरे देश में इतना सारा नहीं होता. जिस देश में डेंस पॉपुलेट कंट्री जो होता है उसमें पॉल्यूशन जाहिर सी बात है ज्यादा होगा. लेकिन दूसरे देशों में जहां पर पॉपुलेशन कम है, इंडस्ट्री कम है, वहां पर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन कम होगा. इसीलिए गया है कॉमन, पॉल्यूशन इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तरह तरह के देशों को डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा. मतलब इंडिया में अगर 30% पॉल्यूशन है तो 30% के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. चाइना में अगर 10% है तो 10% के, यूएसए में अगर 20% है तो 20% के हिसाब से. लेकिन पॉल्यूशन कॉमन है, एनवायरमेंट को सही तरीके से रखना ये बात कॉमन है. द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिफरेंशिएशन, दैट इज द इस प्लेस इज पेरिस. पेरिस कन्वेंशन भी आप इनको बोल सकते हैं. प्लेस्ड इन पेरिस, पेरिस फ्रांस. डेट 17 जून 1994. यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कोप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ था. और इस यहाँ पर ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस किया गया था. जैसे आपने रेड क्रॉस के बारे में सुना है, ऐसे ही ग्रीन क्रॉस. और इसमें रशिया के प्रेसिडेंट थे तब 1993 में, that is Mikhail Gorbachev. Convention on Biological Diversity, that means biodiversity. The convention of biological diversity, isme sustainable word ko use kiya gaya hai.
used to the components fire and the equitaries of the benefits arising from the genetic resources. Genetic resources से क्या क्या benefit हो सकता है इसके बारे में बात किया गया है. 5th June 1992 में ये हुआ था and forced on 29th December 1993. ये date को आपको याद रखना पड़ेगा. The agreements क्या हुआ था इसमें, Cartagena and Nagoya Protocol, ये दोनों agreement हुआ था. इसमें PYQs आते हैं, MCQs जो मैं बोलना चाहती हूँ, MCQs आते हैं. And then we are talking about the Paris Agreement 2015. यहाँ पर greenhouse gases के बारे में भी बात किया गया है, adaptation के बारे में बात किया गया है, finance के बारे में बात किया गया है. Bartlett Commission, ये commission कब हुआ था? 1987 में. इसका दूसरा नाम क्या है? World Commission on Environment and Development. ये इसका दूसरा नाम है. इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन मींस ये बर्टलैंड कमीशन के बदले में आपको बोल दिया गया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ये कब हुआ था. तो अब ये दोनों नाम ही आपको याद रखना पड़ेगा. यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, आप देख सकते हैं. पूछा गया है मतलब बोला गया. The United Nations Climate Change Conference, ये 2009 में हुआ था, known as the Copenhagen Summit, ये बहुत important है. और Montreal Protocol जो है, वो कब हुआ था? 1987 में. वो किसके ऊपर हुआ था? Ozone depletion के ऊपर हुआ था, जो अब हम लोगों के ozone gas में जो छेद आ गया है, उसको कैसे हम लोग recover करें, इसके ऊपर ये जो प्रोटोकॉल ये बनाया गया था. इसमें इंडिया ने ज्वाइन किया था. आप लोग थोड़ा गूगल सर्च करके देख सकते हैं, इसमें इंडिया शायद ज्वाइन किया था. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रामसर कन्वेंशन. रामसर का कन्वेंशन का प्लेस है ईरान. ये हुआ था 1971 में. एंड ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, वेटलैंड मींस मैं हिंदी तो नहीं जानती, ये इंग्लिश है. बंगाली में जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ज्वाला भूमि, ज्वाला भूमि, दैट मींस पानी से, पानी का जो लेवल है या फिर पानी का जो जिसका जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, ऐसे लैंड के बारे में बताया गया है. सो दिस दैट्स ऑल फॉर नाउ. दिस इज एनफ फॉर सोशियोलॉजी यूजीसी नेट. So, अब ये साल, तारीख और कन्वेंशन के दिन यू शुड रिमेम्बर. एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन गुड बाय.